हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 16 फरवरी 2020 के करंट अफेयर। यह वीडियो 2020 में होने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, जो लोग हमारे चैनल कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं 16 फरवरी 2020 के करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का वित्तीय सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? भारत का नया वित्तीय सचिव नियुक्त किया गया है देवाशीष पांडा को। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवाशीष पांडा को भारत का नया वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है यही बने हैं वित्तीय सचिव जिनका नाम है देवाशीष पांडा। हमारे जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमण। और भी कैबिनेट सेक्रेटरी के नाम यहाँ पे देख लेते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा, फॉरेन सेक्रेटरी हैं विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, वित्त सचिव हैं देवाशीष पांडा, राजस्व सचिव हैं अजय भूषण पांडे, गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला एंड डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार। इन सारे जो सेक्रेटरी हैं, जितने भी सचिव हैं, इनका नाम आपको एकदम याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सौसा भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? ये जो राष्ट्रपति हैं ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है मार्सेलो रेबेलो डी सौसा, जो कि भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मार्सेलो रेबेलो डी सौसा, जो कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। इस भारत यात्रा के दौरान रक्षा, परिवहन, बौद्धिक संपदा अधिकार तथा योग इत्यादि क्षेत्रों में कुल 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत और पुर्तगाल ने मिलकर गुजरात के लोथल में समुद्री धरोहर संग्रहालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, पुर्तगाल की जो करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, हाल ही में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ये जो बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ, जो 2020 का जो प्रबंधन अभ्यास होगा ये होगा ओडिशा के भुवनेश्वर में। द्वितीय बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 बिम्स्टेक जो अभ्यास होगा इसमें ये होगा ओडिशा के भुवनेश्वर में। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में है। बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी 1997 ईस्वी में हुई थी। बिम्स्टेक में जो देश मेंबर हैं, कौन कौन से बिम्स्टेक के मेंबर हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये जो हैं बिम्स्टेक के मेंबर हैं। इस प्रकार देखा जाए तो बिम्स्टेक में कुल 7 देश हैं, तो ये बिल्कुल आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नाकेल लॉन्च किया है? ऑपरेशन नाकेल लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर की पुलिस ने यह ऑपरेशन को लॉन्च किया है। क्या है ऑपरेशन नाकेल? ऑपरेशन नाकेल जिसके तहत सभी ऑटो रिक्शा चालकों की पहचान सत्यापित की जाएगी और उन्हें 4 अंकों का एक यूनिट नंबर आवंटित किया जाएगा। वाहन चालकों को ऑटो रिक्शा के सामने बाएँ, दाएँ और पीछे के हिस्से पर यूनिक नंबर प्रिंट करवाना होगा। यदि कोई उत्पीड़न का सामना करता है तो ग्राहक नंबर का उपयोग करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी गाजियाबाद की पुलिस ने ऑपरेशन नाकाउन लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20.42 करोड़। अभी अभी उत्तर प्रदेश में जो 2020 का 11वां डिफेंस एक्सपो
हुआ जिसका जो थीम था भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब, द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ये जो था 11वें डिफेंस एक्सपो 2020 का थीम था। जानवरों के लिए जो भारत का पहला युद्ध स्मारक बन रहा है उत्तर प्रदेश के मेरठ में, भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहा है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय बन रहा है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, भूत विद्या कोर्स को शुरू करने वाला दुनिया का जो पहला विश्वविद्यालय बना है ये बना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। उत्तर प्रदेश सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जो कि दुधवा नेशनल पार्क है, ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में जारी ISS रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? हाल ही में ISSS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार ये रिपोर्ट आई है 2019 का, जिसमें वैश्विक रक्षा व्यय में कुल 4% की वृद्धि हुई है। फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन के बीच हथियारों की दौड़ काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। चीन के सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई गई हैं जिनका पता लगाना मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ये एक ब्रिटिश अनुसंधान संस्थान है। इसका जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के 2 एम्स संस्थान तथा 9 मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दे दी है? भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 2 एम्स एवं 9 मेडिकल कॉलेज को ऑप्शन मंजूरी दी दी है। सिक्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है जम्मू सर्दियों के मौसम में, और श्रीनगर जो राजधानी है समर के मौसम में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के जो सलाहकार हैं उनका नाम है राजीव राय भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में मुंबई और पुणे के बीच पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा को लॉन्च किया गया है, ये किसने लॉन्च किया है? मुंबई और पुणे के बीच पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा को लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी द्वारा। सेवंथ क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नितिन गडकरी के द्वारा मुंबई और पुणे के बीच पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा को लॉन्च किया गया है। नितिन गडकरी हमारे मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, शिपिंग मिनिस्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर हैं। इस बस में 43 लोगों को बैठने का स्थान है। एक बार चार्ज करने पर यह बस 3100 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय 2020 तक सभी बसों को विद्युत बसों में परिवर्तित करने के लिए कार्य कर रहा है जिससे कि पर्यावरण हमारा कम हो। फेम योजना क्या है? फेम का पूरा नाम है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया 2020 का? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2020 का मनाया गया 15 फरवरी को। 8th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 2020 मनाया गया 15 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस दिन मनाया जाता है, और 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस का 2020 का जो थीम था मैं हूँ और मैं रहूँगा, आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में बायो एशिया 2020 के द्वारा जीनोम वैल्यू एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया है? बायो एशिया 2020 के द्वारा जीनोम वैल्यू एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है डॉक्टर कार्ल एच जून और डॉक्टर बसंत नरसिम्हन, यानी दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है। 9th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त तो दोनों यानी डॉक्टर कार्ल एच जून एंड डॉक्टर बसंत नरसिम्हन को बायो एशिया
2020 के द्वारा जीनोम वैल्यू एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नोवार्टिस के जो सीईओ हैं वो हैं डॉक्टर वसंत नरसिम्हन, और अमेरिकी प्रतिरक्षा विज्ञानी हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं उनका नाम है डॉक्टर कार्ल एजुन को जीवन जीवन विज्ञान में उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये जो दिया गया है जीनोम वैल्यू एक्सीलेंस अवार्ड है किसके द्वारा दिया गया, बायो एशिया के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। बायो एशिया तेलंगाना सरकार का वार्षिक बायोटेक एवं जीव विज्ञान फोरम है। इसका आयोजन 17 से 19 फरवरी 2020 के दौरान किया जाएगा। स्विट्जरलैंड इस इवेंट का पार्टनर देश होगा। तेलंगाना की जो गवर्नर हैं तमिल साई सुंदर राजन हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना में स्थित है चार मीनार। तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है सालार जंग संग्रहालय। तेलंगाना राज्य में 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है। यूनेस्को ने हैदराबाद शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया है। रेलवे ने हैदराबाद शहर में वित्तीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थापना की है। और इंडिया का जो फर्स्ट ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट बना है ये हैदराबाद बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में गो एयर एयरलाइंस ने अपना सीईओ किसे नियुक्त किया है? गो एयरलाइंस ने अपना सीईओ नियुक्त किया है विनय दुबे को। ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है ये विनय दुबे जी हैं जिन्हें हाल ही में गो इंडिया एयरलाइंस ने अपना सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। एयर इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं राजीव बंसल। अब आपके लिए क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 16 फरवरी 2020 के करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक करके एंड कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।